शिक्षा कर्मियों की बीवियां एक सवाल पूछ रही हैं, क्या उन्हें पता था कि हमारे पति मर जाएंगे? कि हम पहले से बीएड और डीएड कर लेते? दरअसल पिछले कई दिनों से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर पूर्व शिक्षा कर्मियों की पत्नियां मंत्रियों के चक्कर काट रही हैं। इनके पतियों की मौत नौकरी के दौरान उस वक्त हुई जब वो उनका संविलियन नहीं हुआ था। सरकार का नियम है कि उनकी जगह शिक्षक के पद पर अगर अनुकंपा नियुक्ति करनी है तो उसके लिए डीएड या बीएड होना जरूरी है। इनकी मांग तो यह है कि इस नियम को शिथिल किया जाए। गौरतलब है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अनुकंपा नियुक्तियों का वादा किया था। अनुकंपा नियुक्ति के लिए सर नियम लगा दिए हैं, टीटी डीएड बीएड ये करके लाइए तो नौकरी पे रखेंगे। तो सर हम डीएड और बीएड कैसे करके रखें? सर पहले थोड़ी पता था हमको कि हमारे पति चले जाएंगे, तो उसके लिए भी तो सर पैसा होना चाहिए। पैसों की कमी के कारण हम अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो हम किस तरह से सर ये सब एडजस्ट करें? हम लोग सिर्फ एक ही हमारी मांग है कि अनुकंपा नियुक्ति दे दे। और हम तो ये भी बोल रहे हैं कि सर योग्यता के अनुसार हमें कहीं भी अनुकंपा नियुक्ति दे दे।